Hello student, I am Pawan Kumar Gupta from Sunshine, and today we are discussing about a subject and predicate in class 6. Okay, so first is every sentence has two parts. Every sentence, हर sentence में दो parts होते हैं. पहला होता है subject, दूसरा होता है predicate. Subject, तो predicate होता है वो subject के बाद आता है, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, कंटेन करता है वर्ब को और ऑब्जेक्ट को भी. ठीक है, और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, यहाँ पे दो पार्ट. ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी क्या होता है, पहले आता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आता है. तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का. तो उसके बाद जितनी भी सेंटेंस आएंगे सब्जेक्ट के बाद, चाहे उसमें वर्ब हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होंगे, प्रेडिकेट. ठीक है, ऐसे एग्जांपल हम लेना जानता है आप. अजय इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश. अजय क्या है, इंग्लिश क्या है, टीचर. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन है, अजय. और बाकी कंटेंट्स जितने आपको ये सब दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रेडिकेट. ठीक है, एंड द सेम लॉजिक इन द सेकंड सेंटेंस. लकी एंड सौम्या प्ले चेस इवनिंग. लकी और सौम्या क्या करते हैं, चेस खेलते हैं हर शाम को. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लकी एंड सौम्या, ये वो था सब्जेक्ट. एंड बाकी सारे हैं प्ले, यहाँ पे वर्ब है आपका, और ये चेस, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट होंगे. ये सारे कंटेंट्स होंगे वो प्रेडिकेट में आएंगे. ठीक है, सो इन नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इंपरेटिव कंटेंट्स ऑफ इन केस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड क्वेश्चन सेंटेंस एंड लॉट ऑफ. जैसे अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस लेंगे तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, सेंटेंस के पहले में आ जाती है. सेकेंड है सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन, यानी सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में, नेगेटिव में और इंपरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट जो है कई प्रकार से सेंटेंस में कई जगह छिपे रहते हैं, तो उनको ढूंढना पड़ता है. ठीक है, जैसे पहला है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ इंडिकेट फॉर्म करना है. उसके बाद क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी हमको पढ़ना है. थर्ड है नाउन एज ए सब्जेक्ट. कहीं कहीं ऐसा होता है सेंटेंस में कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले जाए, फ्रूट्स कंटेन विटामिन. फ्रूट जो है वो क्या करता है, विटामिन को कंटेन करता है. यहाँ पे फ्रूट क्या है, एज अ सब्जेक्ट किस रूप में, नाउन, एज अ सब्जेक्ट ऑफ नाउन. ठीक है, फ्रूट यहाँ पे क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट. और रेस्ट ऑफ क्या है, यहाँ पे आपके प्रेडिकेट, क्या ये प्रेडिकेट. सेकेंड है स्मोकिंग बीच बैंड है, स्मोकिंग जो धूमपान है यहाँ पे क्या है, बैन है या रुका हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे धीरन है, यहाँ पे धीरन क्या हुआ है, एज अ सब्जेक्ट में आया है. ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रहण में बता दूँ कि वर्ब होते हैं सेंटेंस के लास्ट में अगर आई एन जी फॉर्म हो जाता है. ठीक है, उसको ग्रहण बोलते हैं और वो कहाँ पे इंपरेटिव फॉर्म को दिखाता है. ठीक है, वो किसी कार्य को लगातार यानी उस समय होने का वो कराता है. ठीक है, कंटिन्यूअसली. सेकेंड है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंसेज. निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे. पहला है एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको. इधर आदित्य टीचर इंग्लिश, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो इतने भी सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन सेंटेंस के, वो क्या वार वाले और सब्जेक्ट से शुरू होते हैं. जैसे डब्ल्यू एच वाले, डब्ल्यू एच वाले जितने फॉर्मेट होते हैं उससे शुरू होते हैं क्वेश्चन मार्क्स वाले. ठीक है, जैसे आदित्य टीचर इंग्लिश, क्या आदित्य इंग्लिश का अध्यापक है. तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इज, यहाँ पे क्या है वर्ब है और आदित्य यहाँ पे सब्जेक्ट. एंड रेस्ट ऑफ क्या है, प्रेडिकेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं
Do lucky and Somaya play chess every morning? Do क्या lucky और Somaya रोज शाम को क्या chess खेलते हैं? तो ये भी यहाँ पे आपका helping verb हो गया lucky and Somaya. ये दोनों क्या है आपके एज ए सब्जेक्ट और जो बाकी रेस्ट जो सेंटेंस बचे हुए हैं ये क्या होंगे प्रेडिकेट. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस. इसके बारे में इंपरेटिव यानी आज्ञाकारी, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें कोई व्यक्ति आज्ञा किसी को देता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो लोकेशन होता है, स्थान होता है, वो कहाँ होता है. ठीक है, अगर हम लोग पहला सेंटेंस यहाँ पे ले लें एग्जाम्पल के रूप में, राइट द हेडिंग फर्स्ट, राइट द हेडिंग फर्स्ट, पहले क्या पहले हेडिंग लिखो. ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, राइट योर लेफ्ट लेग, राइट योर लेफ्ट लेग. ठीक है, सेंटेंस पहले में क्या है, राइट द हेडिंग फर्स्ट, यानी पहले क्या करो हेडिंग लिखो, राइट योर लेफ्ट लेग, अपने पहले पैर को ऊपर उठाओ, लेफ्ट लेफ्ट पैर को बाएं पैर को क्या करो ऊपर उठाओ. तो यहाँ पे राइट, राइट द हेडिंग फर्स्ट, राइट योर लेफ्ट लेग. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या होगा, राइट द हेडिंग फर्स्ट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जो होता है यू, इसमें क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हेड होते हैं, जैसे यू, इसमें भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें यू का वर्ब नहीं होता है, यू जो होता है हर सेंटेंस में छिपा रहता है. अगर राइट योर हेडिंग फर्स्ट, अपना पहला हेडिंग फर्स्ट पहले लिखो, कौन लिखो, किसे, आपको कह रहा है यानी तुम्हें यानी यू, तो यू यहाँ पे क्या है हिडन है अंडरस्टैंड है. और राइट योर लेफ्ट है, अपना बायां पैर उठाओ या ऊपर करो. ठीक है, किसका, अपना तुम्हारा है, तो कौन यू, यहाँ पे यू है जो सब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है हेडिंग होता है. इसमें क्या करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे किस में नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो यू होता है ये क्या होता है हिडन होता है. ठीक है, आप नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेट एंड फंक्शन, प्रेडिकेट के जो फंक्शंस है उनके बारे में. ठीक है, तो पढ़ेंगे प्रेडिकेट फॉर्म एंड फंक्शन, यानी इससे पहले हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट फॉर्म एंड फंक्शन, यानी सब्जेक्ट के प्रकार से सब्जेक्ट जो होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कैसे आते हैं. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में. ठीक है, द प्रेडिकेट कंटेन अबव इट कैन ऑल्सो कंटेन लाइक ऑब्जेक्ट. जो प्रेडिकेट होता है वो क्या करता है, उसमें वर्ब भी हो सकते हैं, सेंटेंस में जो प्रेडिकेट में जो पार्ट होगा उसका सेंटेंस का उसमें वर्ब भी हो सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पूरक जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे सन राइजेज इन मतलब जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो कि कहे गए हैं क्योंकि मतलब उसको नकार कोई नहीं सकता, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं एंड वो कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं. तो क्या होता है ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. एग्जाम्पल सेकेंड में एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ, जैसे मेरिन सिंह, इसमें क्या है सब्जेक्ट नहीं है, मेरिन क्या करती है गाना गाती है, फिर क्या है वर्ब है ओनली प्रेडिकेट. ठीक है, क्या करती है गाना गाती है वो भी प्रेडिकेट. ठीक है, ओनली इसमें प्रेडिकेट है वो भी वर्ब के रूप में, तो ये क्या किया प्रेडिकेट, वर्ब को कंटेन किया है सब्जेक्ट में ही. सेकेंड है मेरिन सिंह सॉन्ग, मेरिन क्या करती है अच्छा गाना गाती है, देन यहाँ पे आपको प्रेडिकेट मिलेगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सिंग और सॉन्ग ये सारे क्या हो गए आपके प्रेडिकेट हो गए. और नेक्स्ट जो पहला बचता है आपका सेंटेंस वो फिर क्या हो गया सब्जेक्ट. इसके बाद पढ़ते हैं थर्ड, दिस प्लेस लुक फैमिलियर,
यह प्लेस का काफी जाना पहचान लगता है, ठीक है, यानी जाना पहचान लगता है। तो ये क्या है, ये फैमिलियर, यानी ये इन्वर्सन ट्रुथ है, कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। रूप यहाँ पे क्या है, वर्ब, और ये कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, लुक फैमिलियर यानी कॉम्प्लीमेंट का मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया है। सो हियर आर यू कंप्लीट चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, थैंक यू।